उत्तराखंड के अंदर 8 जून तक के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है और इस दौरान उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश, वो क्या हैं, आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका 1 जून से लेकर 8 जून तक के लिए उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन लागू हो गया है और इस दौरान हमारी यात्रा करने की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, वो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, वो ये दे रखा है कि अगर आप वैक्सीन के लिए आवाजाही कर रहे हो टैक्सी या ऑटो रिक्शा के माध्यम से, वाहन के माध्यम से, तो आप अपना प्रूफ दिखाकर वैक्सीन लगवाने जा सकते हो। अगर आप शादियों में जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, शादियों में केवल 20 लोगों को ही जाने की अनुमति है अधिकतम, और RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट सभी की होनी चाहिए, और इसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जिला प्रशासन से कि हम जो है 20 लोगों को बुला रहे हैं शादी के अंदर, ठीक है जी। और देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो आपका पेज नंबर 2 पे है, इसका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 बताने से पहले 8वां पॉइंट देखिएगा, मदिरा की दुकानें एवं बार आपके अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे, ठीक है। आपके बार और शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। और अब देखिएगा अगला पॉइंट जो है वो आपका यात्रा के रिगार्डिंग है, जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उनको 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए उनके पास, तभी ही आपको जो है एंट्री मिलेगी राज्य के अंदर आने की, ठीक है जी। और जो है आपका अगला जो पॉइंट है वो ये है, रुकिएगा 1 मिनट। हाँ देखिएगा, जो भी व्यक्ति बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के राज्य के अंदर आ रहे हैं, अब मान के चलिए आपने RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी, उसके बाद जो है दोस्तों उससे पहले ही आपको अपने स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी गाइडलाइंस रिलीज करी गई है उनका आपको पालन भी करना पड़ेगा, ओके जी। अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने पैतृक गांव वापस आ रहे हैं प्रवासियों द्वारा, उनको कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले साल की तरह ही ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में जो है आपका क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जिसके तहत आपको 7 दिनों के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। अगर आपके अंदर फिर कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तभी आपको घर पर आपके भेजा जाएगा, और इस सारी चीज की फैसिलिटी वगैरह जो है वो सरकार प्रोवाइड करवाएगी, वहां पे पेयजल और साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि की व्यवस्था, ठीक है जी। अब देखिएगा आपको अगला पॉइंट, अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट नंबर 13 देखिएगा, पॉइंट नंबर 13 यह है कि कोविड कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर यथा आवासीय क्षेत्र, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मंडी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर निरंतर सैनिटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो भाई देखिएगा इन सारे स्थानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और वो आपको वहां पर मिलेगा पूरी तरह से सैनिटाइज। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अगला जो पॉइंट है वो ये है, जो आपको मैं बताऊं पेज नंबर वो आपका 5 पे मिलेगा, ठीक है जी। अब 5 जो पेज नंबर है वो आपका ये रहा, ये देखिएगा। तो आपके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, अब यहां पर देख सकते हो आपका 14 का ई पॉइंट परिवहन, और यहां पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी वाहन आपके राज्य के अंदर आवाजाही कर रहे हैं, ठीक है, राज्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, वो 50% सवारियों के साथ ही अपने यात्रियों को बसों के अंदर बैठा सकते हैं, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। और जो यात्री आप फ्लाइट से या बस से या रेलवे से या प्राइवेट व्हीकल से यात्रा कर रहे हो तब भी आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर ई पास के लिए अप्लाई करना होगा smartcitydehradun.uk.gov.in पर, ठीक है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वहां से परमिशन मिलने के बाद ही आपको बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले व्यक्तियों को अनुमति मिलेगी, और उसके लिए भी यहां पर कहा गया है आगे कि सभी व्यक्तियों और बस और टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्परों को भी अधिकतम 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है जी। और सार्वजनिक परिवहन का अंतर और अंतरराज्य आवागमन जो है 50% प्रतिबंधित और आपका राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी SOP के अधीन जारी रहेंगे। तो देखिएगा बात यही है कि 50% सवारियां नहीं बैठ पाएंगी अब, ठीक है, और इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं। और अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, राज्य के निवासी जो हैं, जो उत्तराखंड में रहते हैं,
अगर वो लोग गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे अंतरराज्यीय, उन्हें कोविड टेस्ट के प्रमाण पत्र, ठीक है, या आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल ई पास वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। ठीक है जी, तो देखिएगा जो आपके गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो आपको आपको जरूरत नहीं है टेस्ट वगैरह कराने की, बट ये है कि आपको ई पास जरूर बनवाना होगा। ठीक है जी, अगला जो पॉइंट है वो ये है, जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अथवा रैपिड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जो भी लोग देखेगा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र से आप पर्वतीय क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट या आपका रैपिड टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। और अगला जो पॉइंट है वो पांचवा वो ये है, जो लोग देखेगा अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के अंदर आना चाहते हैं तो जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए राज्य से प्राइवेट वाहन और आपका सरकारी वाहनों में वाहनों की क्षमता आपका 50% सवारियों की शर्त का अनुपालन करते हुए ही 4 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद और 72 घंटे की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा, वो भी 4 लोगों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार में। ठीक है जी, अगला जो पॉइंट है वो आपका देखिएगा छठा है, छठा ये है, जितने भी आपके ट्रक वगैरह हैं मालवाहक वाहन लदे हुए या अथवा खाली हुए तो उनको राज्य और अंतर्राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन और लोड करने के उतारने की अनुमति है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने संगठनों संस्थानों द्वारा जारी करे गए वैलिड आई कार्ड के साथ ही कार्यस्थल पर आने और वापस जाने के लिए निर्गत दिशा निर्देश का अंतर्गत अनुमति है। इनके कहने का मतलब यही है, देखिएगा जो भी अधिकारी कर्मचारी कंपनी वगैरह के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल में काम करते हैं तो उनको अपना वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है जी, अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका आईएक्स की, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से एयरपोर्ट बसों और आपका टैक्सियों और ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध अपना वैलिड डॉक्यूमेंट और टिकट दिखाने पर आपको आवागमन में छूट दे दी जाएगी। ठीक है, जो लोग आपके रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डे से आना जाना चाहते हैं और बस के माध्यम से टैक्सियों ऑटो रिक्शा के माध्यम से तो आप अपना वैलिड आई कार्ड दिखाकर वो वैलिड अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर वो वैलिड अपना टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकते हो। ठीक है जी, और देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो दसवां ये कहता है कि ऑटो टैक्सी को केवल इमरजेंसी उद्देश्य हेतु ही यात्रा की अनुमति है, लेकिन यदि आप फ्लाइट या रेलवे या हम लंबी दूरी के लिए यात्रा कर रहे हो तो आपको अपना वैलिड टिकट दिखाकर आने जाने की छूट मिलेगी टैक्सी और ऑटो से भी। ठीक है ओके, अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा आपका एक्साई, यहाँ पर जो पॉइंट है 11वां, आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल चिकित्सक की पर्ची मेडिकल की जो पर्ची है उसको दिखाने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, अगला जो 12वां पॉइंट है वो ये कहता है कि कोविड कर्फ्यू के अवधि के दौरान यदि किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य है, जैसे कि मान के चलिए मेडिकल इमरजेंसी या किसी परिजन की मृत्यु हो गई आपके, तो उसके लिए आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर ही वर्णित स्थिति का वेरिफिकेशन करने के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मतलब कि आने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट सिटी के लिए ई पास के लिए आवेदन करना होगा और आपका जब हो जाएगा कि मेडिकल इमरजेंसी या परिजन की मृत्यु हो गई है तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा राज्य के अंदर। टीकाकरण और यानी कि वैक्सीन और टेस्टिंग के उद्देश्य के लिए 18 से 45 साल की आयु वर्ग के व्यक्तियों को अपना वैलिड आई कार्ड दिखाकर और रजिस्ट्रेशन या मैं यूं कहूं रजिस्ट्रेशन जो आपने कराया है कोविन ऐप पर कोविन पोर्टल पर उसका सर्टिफिकेट दिखाकर आपको आने जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अगर आप सेकेंड डोज लगवाने जा रहे हो अगर वरना आप अपना जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया आपके पास फोन में जो पीडीएफ है उसके माध्यम से। ओके जी, अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका XBI, तो इसमें देखिएगा सामग्री के आवागमन हेतु राज्य और अंतर्राज्य आयात निर्यात आवागमन की अनुमति है। जो भी व्यक्ति किसी गुड्स कैरियर के अंतर्गत राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर आयात निर्यात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं अपने सामान वगैरह को ले जाके, तो उनके लिए इजाजत है पूरी पूरी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका कि सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं
के लिए परिवहन की अनुमति है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस कभी भी यूज कर सकते हैं। वहीं देखिएगा, बात करें कोविड व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के लिए अधीन प्राइवेट वाहन जितने भी हैं, खुद के वाहनों को वैलिड आई कार्ड के साथ ही मतलब कि आपातकालीन कारणों के लिए ही अनुमति दी जाएगी, ठीक है। देखिएगा, अगर आपके पास खुद की कार है उसमें 50% सीट पर ही बैठा सकते हो और आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए कि किस कारण से आप जा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आपकी देखिएगा यही गाइडलाइंस थी जो आपकी ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के दौरान आपके लिए जरूरी थी और ये 8 जून तक लागू रहेंगी। यदि 8 जून के बाद हमारा लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तब भी आपकी यही गाइडलाइंस लागू होने वाली हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से वीडियो बनाते आ रहे हैं लेकिन जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी ऑथेंटिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।